नसीम शाह की एक बार फिर जो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली परफॉर्मेंस थी। सेम बैट्समैन, सेम बॉलर, सिर्फ फॉर्मेट का फ़र्क था। पहले उन्होंने T20 फॉर्मेट में दो छक्के मार के पाकिस्तान को फतायाब किया था और इस बार आखिरी ओवर में जब 11 रन थे तो दो इंपॉर्टेंट चौके मार के पाकिस्तान को सीरीज़ में ना सिर्फ फतह दिलाई, पाकिस्तान की टॉप पोजीशन ओडीआई रैंकिंग में मुस्तहकम की। सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़रूर पाकिस्तान को कंसिडर करने की बात है कि पहले मैच में 59 ऑल आउट करने वाली टीम ने 300 रन किए और अफगानिस्तान को भी क्रेडिट जाता है। जिस तरह गुरबाज ने इनिंग्स के लिए 151 रन की, वो आउटस्टैंडिंग थी और रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप रही अफगानिस्तान के लिए गुरबाज की तरफ से। सो अच्छी चीज़ें अफगानिस्तान के लिए, अच्छा मैच हुआ, शाइकीन ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया और सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स पाकिस्तानी और इंडियन और अफगानी फैंस का जो रात भर चलता रहा वो भी बड़ा एक्साइटिंग रहा। और पाकिस्तानी फैंस में अब अच्छा है, राइट टाइम पे पीक हो रही है पाकिस्तानी टीम इन टर्म्स ऑफ ODI क्रिकेट, बिकॉज आपने एशिया कप खेलना है। बहुत बड़ा मार्का आने वाला है पाकिस्तान का एशिया कप में, 2 सितंबर को इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। बट हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम ये ज़रूर जानेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या टीम के कॉम्बिनेशन में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम तीसरे ODI में ट्राई कर सकते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी के प्लेयर्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहीद खान साहब हमारे एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। और राइट, आउटस्टैंडिंग सीन्स इन हम्बनटोटा, और जितनी तारीफ की जाए शादाब खान और नसीम शाह की वो कम है। स्पेशली नसीम शाह तो ऑब्वियसली लाइमलाइट में रहे, लेकिन मैन ऑफ द मैच शादाब खान ने जो मेच्योर इनिंग्स खेली, और उन्होंने पोस्ट मैच ये कहा भी कि उनको उस वक्त जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने जो एक शॉट खेला था सिकंदर मिर्ज़ा के अगेंस्ट, वो याद आ रहा था कि उस तरह का वो कोई शॉट नहीं खेलेंगे और सिंगल डबल्स करते रहेंगे और जब मौका मिलेगा तो यू नो बाउंड्रीज भी लगाएंगे। हमने देखा कि 49 ओवर में जिस तरह उन्होंने लास्ट टू बॉल्स पे 6 और 4 किया, उसके बाद मणिकर्ण के रूल के तहत वो आउट हुए, लेकिन जब वो आउट हुए उस वक्त सारे तमाशाई या सारे क्रिकेट के फैंस जो हैं वो यही सोच रहे थे कि ये सब होने के बाद जो टीम जीतनी चाहिए वो पाकिस्तान की टीम जीतनी चाहिए, और वैसा ही हुआ। और नसीम शाह और अफगानिस्तान जब आमने सामने हो तो हम सबको पता है कि कौन जीतता है। सो लॉट ऑफ क्रेडिट टू नसीम शाह एंड शादाब खान, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस, बिकॉज पाकिस्तान की पोजीशन एक वक्त में बहुत मुस्तहकम थी जब इमामुल हक और बाबर आजम कप्तान जो है वो इनिंग्स क्रीज पर थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत ईजी होगा टारगेट को चेस करना, लेकिन हमने देखा कि अचानक से विकटें गिरीं, रिजवान रन आउट हुए, आगा सलमान ने एक रिवर्स स्वीप का गलत शॉट खेला। सो ये एक पाकिस्तान की जो ODI में बैटिंग के कोटिंग के कोलैप्स का सिलसिला है, अगर वो अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट दिख रहा है तो आप वर्ल्ड कप में या एशिया कप में बड़े मैचेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। आगा सलमान एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, उनकी ऑल दो वो आउट हुए और होता है क्रिकेट में ऐसे, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि सऊद शकील बेंच पे हैं, वो लेफ्ट हैंडेड हैं और प्रॉपर बैट्समैन हैं, तो क्या उनको कंसिडर किया जा सकता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड के कल के मैच की जीत के बाद भी पाकिस्तान को क्या चीज़ें हैं जो स्लाइटली ट्विकिंग करनी है, कॉम्बिनेशन में क्या चेंजेस करनी है, ये सब हमने देखना है। साथ साथ शॉर्टर फॉर्मेट में हमने देखा है कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ एशियन और ऑस्ट्रेलियन मुल्कों और इस तरफ इस रीजन से US और कनाडा की तरफ मूव हो रहा है, और अभी रिसेंटली बहुत सारी लीग US में हुई हैं। अभी एक US T10 मास्टर्स लीग हो रही है जिसमें हम सवेरा पाशा वहाँ पे हैं US में, और वहाँ की टीम के ओनर और कप्तान, न्यूयॉर्क वॉरियर्स की टीम के ओनर और कप्तान जो मिसबाह उल हक हैं और ओनर जो हैं उनके कामरान अवान हैं, उन दोनों से बात की है, तो देखते हैं कि वो क्या बात हुई है और वो T10 लीग किस तरह चल रही है US में। Yeah.
साथ इस वक्त मौजूद हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंसेज इस वक्त चल रही हैं, बट T10 फॉर्मेट आपको लगता है ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है जो हम ओलंपिक्स में पिच इन कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसमें, अगर हमने दूसरी स्पोर्ट्स के साथ मैच करना है, लंबा मैच जो है वो अगर आप फुटबॉल को देखें, हॉकी को देखें, दूसरी स्पोर्ट्स को देखें, तो लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए और हर मोमेंट में एक्साइटमेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से बेस्ट है कि इसमें कोई डल मोमेंट नहीं होता। आप इवन अगर जा रहे हैं बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए भी, तो एवरी बॉल इज एन इवेंट, एक्साइटमेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है गेम उसमें। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट फॉर्मेट फॉर दैट सॉर्ट ऑफ रीजन के हाँ जी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बट मिसबा, जब न्यूयॉर्क वॉरियर्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जाहिर सी बात है प्लेयर्स हैं, आसानी हो जाती है थोड़ा कि अगर दूसरे प्लेयर्स होते हैं जाहिर सी बात है वो केमिस्ट्री मैच करना टाइम लगता है, छोटा सा तो टाइम होता है इस लीग का, ये सारे अपने ही लड़के हैं, आप खेले हुए भी हैं उन सबके साथ? ठीक कह रही हैं आप, इससे फ़र्क पड़ता है आपको, बट मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इवन अगर बाहर के दूसरे भी प्लेयर अगर खेले हुए हैं, जैसे तिलकर रत्न देशम खेल रहे हैं या जोहान बोथा है, जेरम टेलर हैं, जिनको आपको आपको आइडिया होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी स्किल का पता होता है कि वो किस तरीके से, तो ईजी हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा अननोन जो आपके प्लेयर होते हैं उनके साथ थोड़ा सा आपको समझने में उनको टाइम लगता है कि वो कैसे उस सेटल डाउन होते हैं उस आपकी टीम कम्बिनेशन में, बट ओवरऑल आई थिंक अच्छा चल रहे हैं सारे मिलकर, अच्छी परफॉर्मेंस। तो US T10 मास्टर्स लीग से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देखना चाहेंगे? फाइनल करीब है और न्यूयॉर्क वॉरियर्स लग रहे थे क्रूजिंग टू द फाइनल। I think the message is to come and support your team and just watch the cricket. Excitement hai, badi zabardast cricket hai and it's good for cricket promotion in USA. Aap dekhe na, ye pichle ek saal mein aur aage World Cup bhi aa raha hai yahan pe. So these leagues, especially this T10 league and Major League, ye ek bada role play karne jayenge. Aur New York Warriors, the way they are basically taking this tournament serious, itne zyada stars ko bulaya hua hai aur jis tarike से ऑनर्स जो है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, टीम को लिफ्ट कर रहे हैं, वंडरफुल है। आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट इन इवन बिगर लीग, सो दे आर रियली पुटिंग एन एफर्ट फॉर दिस लीग। थैंक यू मिस्टर, थैंक्स अ लॉट। और राइट, सो किसने सोचा था कि टुक टुक कहलाने वाले मिसबाह उल हक T10 फॉर्मेट में और T10 फॉर्मेट को प्रमोट कर रहे होंगे और उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। और भी प्लेयर्स हैं हमारे, शाहिद खान आफरीदी हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, अब्दुल रजाक हैं जो US मास्टर्स T10 लीग खेल रहे हैं।